हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर, यानी जो आपका जो 23 के 24 के सेशन में OTR किस प्रकार से करना है, और बात करेंगे 24 के 25 सेशन में न्यू सेशन के लिए OTR कहाँ से होगा और ऑल स्टूडेंट के लिए OTR कहाँ से होगा। देखो उससे पहले आपसे बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको नेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आते रहता। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑल स्टूडेंट का, यानी जो स्टूडेंट 23 के 24 सेशन में फॉर्म फिलअप किए हो उसको OTR किस प्रकार से करना। देखो उसको OTR करने के लिए उस स्टूडेंट को सबसे पहले OTR करने के लिए एक प्रोसेस बताया जाता है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा एप्लीकेशन है, चलिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। हाँ तो देख सकते हो OTR करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा मतलब सेकेंड मतलब एक लिंक मिलेगा eKYC विथ फेस ऑटो, यानी आधार लिख के आधार eKYC, यहाँ पर eKYC विथ फेस, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे इस लिंक पर आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो प्ले स्टोर में देखिए एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इट्स नॉट फोन ऐसा करके लिखा हुआ आ रहा है। जब दूसरा वेबसाइट मतलब दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो पहला एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो जाएगा बट ओपन नहीं होगा, उसमें सिर्फ उसे डाउनलोड कर पाओगे। दूसरा एप्लीकेशन से पहला एप्लीकेशन देखो आपको गूगल में मतलब आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है, या प्ले स्टोर में भी सर्च करके दूसरा एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आधार फेस RD, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं करना है, इसको डाउनलोड करके छोड़ देना है। तो आपको बता दे अभी आपका सेकेंड मतलब दूसरा मतलब ऐप अभी लॉन्च नहीं किया गया है, यानी जो स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट हो उसको अभी मतलब OTR नहीं हो रहा है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसका अभी नहीं हो रहा है। अभी न्यू सेशन का जो स्टूडेंट है 24-25 का जो फॉर्म फिलअप किया करेगा उस सभी स्टूडेंट का OTR हो रहा है। तो उस सभी स्टूडेंट को OTR किस प्रकार करना है बताते हैं। तो देखो 23-24 स्टूडेंट अभी टेंशन मत लो, आप लोग का जैसे ही एप्लीकेशन आता है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो न्यू स्टूडेंट के लिए OTR करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, जो न्यू स्टूडेंट हो उसको OTR करने के लिए सबसे पहले आपको कोई आपके पास कोई ब्राउजर हो आप नेशनल स्कॉलरशिप ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। चलिए मैं नेशनल स्कॉलरशिप के ऑफिशियली वेबसाइट पर आ गया। ऑफिशियली वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि आप न्यू हो तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही तो आपको यहाँ पर आपसे देखो क्या क्या मांगा जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे कीजिएगा, इसको टिक मारिएगा, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर यानी वह मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आधार से लिंकेड हो। यहाँ मोबाइल नंबर देके गेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी फिलअप करके और आपको वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका आधार जो आधार से रजिस्ट्रेशन होगा उसमें अगर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा ओटीपी भी वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद eKYC होगा, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। फिनिश होते ही आपको OTR नंबर मिल जाएगा। OTR नंबर मिलते ही आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव अकाउंट इस पर लॉगिन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर जो OTR नंबर आपको प्राप्त हुआ है उस OTR नंबर को यहाँ पर दर्ज कर लेना है, और पासवर्ड जो बनाया हो पासवर्ड दर्ज कर, अगर पासवर्ड नहीं आ रहा है बनाया हो पासवर्ड पता नहीं है क्या आया नहीं आया तो एक बार फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर यहाँ पर OTR नंबर देके OTP देके कैप्चर फिर वेरीफाई करके अपना पासवर्ड पता कर सकते हो। पासवर्ड जैसे ही पता हो जाता है यहाँ पर आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन को आगे का प्रोसेस कर लेना है। तो देखिए जो स्टूडेंट न्यू हो उसको अभी वह OTR वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो, जो स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट हो जो पुराना स्टूडेंट हो नेशनल स्कॉलरशिप के उसके लिए वेबसाइट से कोई भी मतलब वेबसाइट से वह स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए मतलब ऐप बनाया गया है वह ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ। जैसे कि प्ले स्टोर में आप जाइएगा तो NSP आप जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए NSP OTR तो आपको ओल्ड जो ओल्ड एप्लीकेशन था इसका वह एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो NSP फेस और इस एप्लीकेशन पुराना एप्लीकेशन है, आपको न्यू वर्जन में अभी एप्लीकेशन पब्लिक नहीं किया गया। जैसे ही पब्लिक होता है तो आप लोग को मेरा इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर रख दो, आपको इस चैनल पर आपको नेशनल रिलेटेड वीडियो आते रहता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और मैं टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो टेलीग्राम चैनल पर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है मैं अपना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे देता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।